गार्डनिंग चैनल, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ पौधों के बारे में बताऊंगा जो आप घर पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। फाइकस और पुकर, इसे नांद्रुक के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे में फल व फूल नहीं आते, इसलिए कटिंग से लगाया जाता है। यह देखने में बहुत सुंदर होता है। आप इसे गर्मी व सर्दी किसी भी समय लगा सकते हैं और यह दोनों में अपनी ग्रोथ अच्छे से करता है। यह आउटडोर प्लांट है। पत्थर चट्टा, यह एक हर्बल प्लांट है। कहा जाता है कि यह पथरी को ख़त्म करने के लिए लाभदायक है। यह इसके पत्ते द्वारा ही लगाया जाता है। इस पौधे को धूप बहुत पसंद है। यह आउटडोर प्लांट है। तुलसी और बैसिल, ये भी एक हर्बल प्लांट है। यह जुकाम व खांसी को ठीक करने में मदद करता है। यह बीज से आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी ग्रोथ सर्दी में रुक जाती है, पर यह गर्मी में अच्छी ग्रोथ करता है। आइए देखते हैं अगला। मनी प्लांट, यह पौधा पानी व मिट्टी दोनों में लगाया जा सकता है और आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। यह एक बेल वाला पौधा है। यह अपनी कटिंग द्वारा लगाया जाता है। इसमें कई वैरायटी पाई जाती हैं, जैसे बड़े पत्ते और छोटे पत्ते और भी अलग अलग वैरायटी। विद्या और मोरपंखी, यह आप आउटडोर और इंडोर दोनों जगह लगा सकते हैं। यह आपके गार्डन और लॉन की सुंदरता बढ़ाता है। यह बीज व कटिंग दोनों से लगाया जा सकता है। यह देखने में बहुत सुंदर होता है। कोलियस, यह पौधा दिखने में बहुत सुंदर होता है। यह कई रंगों में होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर अलग अलग वैरायटी में होता है। यह कटिंग से बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आइए देखते हैं अगला। रोज़, आप इसे तो जानते ही होंगे। यह एक खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। यह कई रंगों में पाया जाता है, जैसे लाल, पीला, गुलाबी आदि। इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। इसकी ग्रोथ सर्दियों में होती है। आप इसकी प्रूनिंग कटिंग गर्मियों में कर सकते हैं, जिससे कि यह सर्दियों में अच्छे फूल दे। आइए देखते हैं आगे। हिबिकस प्लांट, यह पौधा कटिंग से लगाया जाता है। इसके फूल गर्मियों में ज़्यादा खिलते हैं। इस पौधे को धूप बहुत पसंद है। आप इसे 12 से 14 इंच के गमले में लगा सकते हैं। यह पौधा सालों साल चलने वाला पौधा है। आगे देखते हैं। अशोक ट्री, यह 12 महीने चलने वाला पौधा है। यह घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आप इसे 12 से 14 इंच के गमले में लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप इसे ज़मीन में लगाइए। ज़मीन में अच्छी ग्रोथ करता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आइए देखते हैं अगला। पेरिविंकल और विंका, इसे सदाबहार भी कहा जाता है। यह बारहमासी पौधा है। यह सालों साल फूल देता है। इस पर हमेशा फूल लदे रहते हैं। यह कटिंग व बीज दोनों से आसानी से लगाया जा सकता है। यह कई रंगों में पाया जाता है, जैसे व्हाइट, पिंक, रेड, और ये हाइब्रिड वैरायटी में भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।